फ्रेंड्स वेलकम टू प्रो लाइफ। फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में पैरालिसिस के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। पैरालिसिस क्या होता है, हमारे शरीर का जो मोटर फंक्शन और मसल्स फंक्शन है ये लॉस हो जाता है, जिसके कारण जो हमारे ब्रेन को जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो सप्लाई हो रहा है ब्लड और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ये सब नहीं पहुँच पाने के कारण, अगर रास्ते में कोई अवरोध हुआ तो उसके कारण ये बेसिकली स्ट्रोक होता है और आदमी पैरालाइज्ड हो जाता है। अगर फ्रेंड्स स्ट्रोक के बारे में देखें तो ये किस वजह से होता है, ये बेसिकली हमारे जो आर्टरी और हमारे जो गर्दन से लेकर ब्रेन तक ये ब्लॉक होने के कारण ये बेसिकली होता है। और ये किसी तरह का एक्सीडेंटल केस में पैरालिसिस होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर फ्रेंड्स हम स्ट्रोक के बारे में देखें तो स्ट्रोक दो टाइप का है, जो इस्केमिक है और एक हेमोरेजिक है। अगर इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में हम फ्रेंड्स देखें तो इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है, वो हमारे शरीर में अगर किसी जगह किसी कारण के वजह से अगर ब्लॉक हो रहा है तो उसी रास्ते से हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो पाएगा, तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा ब्रेन तक, जिसकी वजह से ये ब्लॉक होता है। तो ये उसी जगह पर सेल का डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रोक आता है। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में हम देखें तो फ्रेंड्स ये हमारे जो वेन की और नस की फटने की वजह से ये होता है, जिसके कारण उसी जगह पर ब्लड फैल जाता है और उसी जगह पर सेल का डेथ हो जाता है। तो ये था हेमोरेजिक स्ट्रोक। अगर फ्रेंड्स पैरालिसिस के बारे में देखें तो पैरालिसिस बेसिकली क्यों, अगर देखें तो किस किस केस में पैरालिसिस होने का चांसेस ज़्यादा है, अगर देखें तो फ्रेंड्स हाई ब्लड प्रेशर में अगर कोई सफ़र कर रहा है तो पैरालिसिस हो सकता है। ओबेसिटी यानी मोटापा और डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब केस में भी पैरालिसिस हो सकता है। जो 50 से लेकर 60 के एज के बीच में ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स पैरालिसिस अगर कितने टाइप का है हम देखें, पैरालिसिस मोनोफेजिया, हेमिफेजिया, पैराफेजिया और क्वाड्रिफेजिया करके है। अगर मोनोफेजिया में क्या होता है फ्रेंड्स, मोनोफेजिया में आपका किसी भी शरीर का एक हाथ या एक पैर ये लकवा हो सकता है, यानी ये अकाम हो सकता है, जिसको ये मोनोफेजिया बोलते हैं। अगर हेमिफेजिया को देखें तो ये क्या होता है, आपका वन साइडेड किसी हाथ में और किसी पैर में नाकामी हो जाता, तो इसको हम हेमिफेजिया बोलते हैं। अगर पैराफेजिया में देखें तो आपका पूरा लेग से लेकर पूरा दोनों लेग इसमें जा सकता है। अगर क्वाड्रिफेजिया में देखें फ्रेंड्स, पूरा हो दोनों हाथ और दोनों पैर और आपका फेस ये जा सकता है। पैरालिसिस में बेसिकली आपका जो चलने फिरने की क्षमता है वो कम हो जाता है, जिसमें आप फेस में भी ये दिखाई देता है और ये इसमें आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं और ये सब होता है। पैरालिसिस के अगर फ्रेंड्स सिम्टम्स के बारे में देखें, आपको पेन मसल्स पेन रहेगा, मसल्स वीकनेस रहेगा और विजिबल साइन मसल्स लेस रहेगा, स्टिफनेस रहेगा, तो ये सब रहेगा। आप चल फिर नहीं पाएंगे और चलने में पैर थोड़ा घिस के चलेंगे, तो ये वाला सिम्टम्स उसमें दिखाई देता है। अगर फ्रेंड्स हम पैरालिसिस हुआ है तो इसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे, तो इसको तो पहले न्यूरोलॉजी का जो डॉक्टर, न्यूरोलॉजी विभाग का जो डॉक्टर है इसको वो डायग्नोसिस करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी साइड में बेसिकली पैरालिसिस हुआ है, तो उसी हिसाब से वो उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। डॉक्टर कई तरह की टेस्ट आपको एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि आपको सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन करवा सकते हैं, स्पाइन भी करवा सकते हैं और एमआरआई करवा सकते हैं और एक्सरे भी करवा सकते हैं, तो ये सारा टेस्ट उसमें आता है। और कुछ कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेटेड टेस्ट भी कुछ होता है। अगर फ्रेंड्स उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम देखें तो उसका ट्रीटमेंट में तो किसी किसी केस में अगर हेमोरेजिक हुआ है, यानी
किसी किसी केस में उसको ऑपरेशन करके ठीक करवाना पड़ता है, और किसी किसी केस में भी आप उसको मेडिसिन के मेडिसिन को देने से भी ये ठीक हो जाता है। ज़्यादातर एलोपैथिक में क्या होता है, मिथाइल कोबालामिन और साइक्लोबालामिन इसको पकड़ के ये ट्रीटमेंट होता है। और आजकल मार्केट में बहुत सारे इंजेक्शन भी आ गए हैं जो जिसको 5-7 लेने से आदमी को थोड़ा राहत मिलता है। तो ये था एलोपैथिक वाला ट्रीटमेंट, और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट भी है। तो फ्रेंड्स ये था थोड़ा पैरालिसिस के अगर ट्रीटमेंट के बारे में आप देखें तो पैरालिसिस में आप ज़्यादातर आपको 6 महीना लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, या पूरा लाइफ टाइम तक आपको लकवा हो सकता है। इसमें बहुत रेयर केस में ये होता है। तो ये था उसका ट्रीटमेंट। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद अगर आप बेडरिडन पेशेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादातर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच चला गया है तो स्पीच थेरेपी, ये सब बहुत ही अहम किरदार निभाते हैं उसमें। तो फिजियोथेरेपी दीजिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दीजिए और स्पीच थेरेपी भी दीजिए, इसको कंटिन्यू रखिए, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। और जितना हो सके आप उनको एक्सरसाइज करवाइए, और खाने पीने की थोड़ा ध्यान रखिए, ज़्यादातर फाइबर्स वाला फ्रूट आप उनको दीजिए। तो और अगर कोई फ्रेंड अगर कोई बीमार आपका हुआ है तो उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स उनको ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है, जो उसके उनके फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्पीच थेरेपी एडवाइस के हिसाब से भी आप उनको एक्सरसाइज वगैरह सब करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम तो देखें उनका ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम देखेंगे तो पैरालिसिस से आप कैसे बचाव कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आप हाई ब्लड प्रेशर में सफ़र कर रहे हैं तो पहले आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कीजिए, अगर सिगरेट और गांजा वगैरह स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, और अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, अगर थोड़ा एक्सरसाइज भी करिए तो उसमें पैरालिसिस होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का पैरालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको पहले नोटिफिकेशन हो। जय हिंद, धन्यवाद।